Good morning, class 5 students. This is your science class. So today we are going to start another chapter of your book, that is chapter number 12, Our Life's a Book. So first of all, I'll read the first paragraph and then explain it to you, okay? So let me start with Our Life's a Book. As the name says, Our Life's Support means जो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए necessary हैं, it is regarding that. First of all, the air. Air हमारी लाइफ के लिए, you know, air, water, sunlight, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए it's very important. So we are talking about these life support. ये नहीं कि हमारे life support जो हमारे घर में काम करते हैं या जो हमारे I'm talking about the जो ज़िंदगी को चलाने के लिए अगर वो चीज़ें ना हों तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आर द लाइफ सपोर्ट इन योर साइंस बुक. फर्स्ट वन इज लाइफ एयर अराउंड अस. ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव विदाउट एयर. आई एम रीडिंग चैप्टर नंबर 12, 109 पेज. सो यू ऑल ऑफ यू गेट रेडी. सो आई एम स्टार्टिंग. एयर अराउंड अस. ह्यूमन बींग्स लिव कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स. यू नो, अगर हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो हम सिर्फ एक मुश्किल से एक आध मिनट ही जिंदा रह पाएंगे. तो अदरवाइज वी विल डाई. दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. पानी के बिना हम कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक हम जिंदा नहीं रह सकते. ऑल थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. आपको पता है कोई भी चीज़ हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, सब चीज़ों के लिए, इवन पेड़ पौधों को भी सांस लेने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. द थिक ब्लैंकेट, अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से अपनी. द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमोसफियर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटमोसफियर. वॉट इज एन एटमोसफियर? यू विल अंडरलाइन फ्रॉम द थिक से अंडरलाइन करिए. द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमोसफियर. Okay, next line also, this atmosphere is held around the earth by the earth's gravity. ये atmosphere जो हमारे हमारे जो चारों तरफ है एक thick layer बनी हुई है हवा की, that is called atmosphere. और ये किसकी वजह से thick air? हमारे earth की gravity की वजह से हमारे जो हमारा planet है उसके चारों तरफ बनी हुई है. It is because of the earth gravity जिसने उसने उसको अपनी तरफ खींच रखा है और वो एक ब्लैंकेट की तरह. ब्लैंकेट क्या होता है? जो हमारा कंबल होता है, जिस तरह से हमारा कंबल होता है हमें कोजी फील कराता है, इसी तरह से ये ब्लैंकेट जो है एयर का ब्लैंकेट ने हमारे चारों तरफ बना रखा है. द एटमोसफेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. यू ऑल नो, ये आप कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो कि एटमोसफेयर में क्या क्या चीज़ होती है. इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं. देर आर मैनी काइंड ऑफ गैसेज. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी और गैसेज हैं. सम आर यूजफुल फॉर अस, सम आर हार्मफुल फॉर अस. इट हैज़ द एयर वी ब्रीथ, द विंड एंड द रेन एंड द क्लाउड्स इन द स्काई. ये सारी चीज़ें हमारे एटमोसफेयर में हमको मिलती हैं. सबसे पहले जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द विंड, द रेन, द क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ लाइफ गिविंग. इट रिटेन्स हीट एंड ब्लॉक्स आउट द हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. और सबसे बड़ी बात, ये भी हमारे एटमोसफियर ये काम करता है. अगर एटमोसफियर ना हो, ये थिक ब्लैंकेट ना हो, तो क्या होगा? जो सन की आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आ जाएंगी और हम इतनी तेज़ होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसके रेडिएशन होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को जला देगी. और ये जो है एटमॉस्फेयर जब बीच में आ जाता है, अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में जो है हम ऊपर सन है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में हमारा एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट आ जाती है. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रिवेंट्स मीटेराइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. आपको पता है पर दादी बोलिया समोसे. स्टॉप इट. I have already told you. समोसे अच्छे लगते हैं मुझे. Mute yourself. समोसे ले आओ. Very nice. ये अभी समोसे खा रहे हैं बैठ के. और ये वीडियो जाएगी प्रिंसिपल सर के पास. The atmosphere also prevent meteors
from hitting the surface of the earth. The oxygen present in the atmosphere supports, next page, life in places such as mountains, tops, or deep in seas and oceans where there is not enough air or oxygen. We need to carry oxygen cylinder for breathing. Air also contains carbon dioxide, which plants use to prepare food. अब आपको पता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे हम माउंटेन, कई बार आपको पता है माउंटेन्स के ऊपर जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे चढ़ते जाते हैं ये ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है. तो जब जो ये माउंटेनियंस जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन वहाँ पर कम होती जाती है. जितना हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसमें कम होती है. सो दे कीप ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम सो दैट दे कैन ब्रीद इजीली. एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज. और ऑक्सीजन तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती होती है एटमोसफियर उसको यूज़ करते हैं. किस लिए? अपना खाना बनाने के लिए. खाना बनाने के लिए नहीं कि किचन में जाके वो खाना बनाते हैं. आपको पता है कहाँ पर खाना बनता है? उनकी किचन कौन सी होती है? प्लांट्स की लीव्स. वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंज्यूम करके उसको वहाँ पर उनको जो भी नरिशमेंट प्लांट्स को चाहिए होता है वो उनको कन्वर्ट हो जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. सबसे पहले अब हम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं कि एयर की ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए होती है. पहले सबसे पहले हमारा लाइफ सपोर्ट कौन सा है? एयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. देन वी विल रीड अबाउट द वाटर. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. सबसे पहले तो आपको बताइए, ये तो जनरल बात है, सबको बताइए बात कि एयर जो है हमें सांस लेने के काम आती है. द फ्रेश एयर वी ब्रीद इज इन इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर. अंडरलाइन दिस. द फ्रेश एयर वी ब्रीद इन, इसको अंडरलाइन करिए. द फ्रेश एयर वी ब्रीद इन, जो हम सांस लेने के लिए फ्रेश एयर को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर. उसको हम बोलते हैं इनहेल्ड एयर या इंस्पायर्ड एयर, दो नाम है इसके. ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर रीडिंग दिस. आपको शायद नहीं पता होगा पहले. दैट इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर, जो हम सांस लेने के काम, जो हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं ना, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल ऐसे सांस लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर. और जो हम बाहर निकालते हैं, जैसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दैट इज एक्सहेल्ड. एक्सहेल करते हैं उसको, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, दो नाम होते हैं. इनहेल्ड को बोलते हैं, इनहेल्ड के साथ आएगा इंस्पायर्ड, और एक्सहेल्ड के साथ जो हम बाहर छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड एयर. फाइन, अंडरलाइन दिस. इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज गिवन आउट विद एक्सहेल्ड एयर. एक्सहेल्ड एयर हैज अ लाइटर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर. इट इज ऑल्सो वार्मर देन इनहेल्ड एयर. तो उसने क्या बताया है? वो यही बता रहे हैं कि हमारे लंग्स होते हैं, इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड. जो हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं, जब हम हमारे अंदर सांस जाती है तो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है हमारे सारे बॉडी में जाती है ब्लड के थ्रू. और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर की तरह छोड़ते हैं, तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी ब्लड के थ्रू ही वापस, इसका मतलब मेन हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन कैरियर कौन है? दैट इज़ आवर ब्लड. इसलिए कहते हैं खून की कमी नहीं होनी चाहिए ब्लड में, क्योंकि इतना बड़ा काम है ब्लड का, कितना बड़ा काम है. देखो, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ, जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं सांस को, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है. नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ एयर. सबसे पहले तो सांस लेने में काम करती है, और एयर जो है हमारी बर्निंग में भी काम करती है. अगर हमें कोई चीज़ जलानी है तो हमारे बर्निंग में भी काम करती है. इसके लिए एक एक्टिविटी अभी अभी आपको मैं समझाऊंगी. एक एक्टिविटी करके आप घर में देख सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन
विच इज नीडेड फॉर बर्निंग। इसकी एक एक्टिविटी, एक बड़ी प्यारी एक्टिविटी होती है, इसको आप करके देख सकते हैं। घर में एक कैंडल लीजिए, कैंडल को जला लीजिए, उसके ऊपर एक कांच का गिलास होता है ना, कांच का गिलास, शीशे का गिलास, उसको उल्टा करके उसके ऊपर रख दीजिए। तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद देखोगे, दो चार मिनट तक, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी वो जलती रहेगी। आपको पता है जब हमने उसके ऊपर गिलास रख दिया तो हमने बाहर की जो एयर है, उसका कट कर दिया उसको गिलास में जाने से। तो क्या होगा, जब वो आपकी कैंडल जो होगी ना, जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन होगी जब तक तो वो जलती रहेगी, हवा जब तक अंदर होगी उसके अंदर, गिलास के अंदर। जैसे ही वो हवा ख़त्म होगी, आप गिलास में से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तुरंत आप देखेंगे कि वो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी। ओके, और इसी तरह से देखो, जब आप कैंडल जलाते हो आप उसके ऊपर कुछ ढकते नहीं हो ना, जैसे ही आप उसके ऊपर ढकोगे ना, दो चार मिनट, मुश्किल से दो चार मिनट चलेगी वो, और फिर वो बुझ जाएगी, क्योंकि जो गिलास के अंदर ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो जाएगी, जो एयर थी वो कंज्यूम हो जाएगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इससे पता चलता है कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। द अदर यूजेज ऑफ एयर, और कौन कौन से यूजेज हैं एयर के, मूविंग एयर कैन सपोर्ट पैराशूट्स, ग्लाइडर्स एंड काइट्स। एयर इज यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स। आपके गाड़ियाँ चलती हैं, कार्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, इसमें जो टायर लगे होते हैं उसके अंदर कोई, ये थोड़ी कि उसके अंदर कुछ लड्डू पेड़े भरे हुए हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर एयर भरी होती है जिससे वो चलते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, पापा तो ले जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने के लिए, क्यों, क्योंकि वो सारे जो हमारे टायर्स हैं उन सब में हवा भरी हुई होती है जिससे वो चलते हैं। इट कैन ऑल्सो पुश सेल बोट्स, टर्न द ब्लेड्स एंड विंडमिल टू ड्रॉ वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हवा का ही काम होता है, जो हमारे विंडमिल घूमता रहता है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए सब चीज़ें यूज होती है, उन सब में भी हमारी एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखा आपने कितनी सारी चीज़ें एयर के लिए हमारे को ज़रूरी हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, फाइव लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी लेयर होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड इज कॉल्ड द स्ट्राटोस्फीयर, थर्ड इज मेसोस्फीयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। ये पांच लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन ऑल ऑफ देम, सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर का क्या होता है, याद रखिए आपको, ट्रोपोस्फियर दिस इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस, जब जो हमारी अर्थ की सरफेस है बिल्कुल उससे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर एयर, ट्रोपोस्फियर लेयर, ठीक है। उसमें क्या होता है, चेंजेस इन वेदर अकर इन दिस लेयर, जो हमारे सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, ये सारे चेंजेस जो होते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर लेयर में होते हैं, चेंजेस वहाँ से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटोस्फीयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। मैनी जेट, जितने भी एरोप्लेन वगैरह चलते हैं ना, जेट प्लेन्स वगैरह, ये सारे इसलिए ना स्ट्रेटोस्फीयर एयर जो लेयर होती है उसमें उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना, ओजोन लेयर जो होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारा लेयर है उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। दिस ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावर्ल्ट, आपको मैंने अभी बताया ना कि कौन से ये एयर की ब्लैंकेट की वजह से ही हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे तक नहीं पहुंच पाती, और आपको सबको पता है अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो वो डायरेक्टली हमारे पास सारी की सारी रेज आती है और हमारा जिंदा रहना, या तो हम जल जाते बुरी तरह, ख़त्म हो जाते, मर जाते, हम जिंदा नहीं हो सकते थे। इसीलिए ओजोन लेयर जो हमारी होती है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अभी आपको पता है लॉकडाउन में, लॉकडाउन के टाइम, उससे पहले ओजोन लेयर हमारी बहुत पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें बड़ा सा एक होल हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा लॉकडाउन हुआ ना, आपको पता है लोगों ने बाहर निकलना, पोल्यूशन कम हुआ, सब चीज़ों, उससे आपका हमारा जो ओजोन लेयर थी ना उसमें एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया था, और धीरे धीरे वो लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हम लोगों ने बाहर निकला, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी कम हो गई, पोल्यूशन कम हो गया, तो हमारी ओजोन लेयर का वो जो होल था ना वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे अब अल्ट्रावायलेट रेज का जो एक खतरा था हमको, थोड़ा सा हमारा खतरा
कम हो गया हमारे तक पहुंचने का. नेक्स्ट वन इज द मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर और यही ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, और वही हमें हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे तक पहुंचने में रोकती है. नेक्स्ट वन इज द मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर. मेट्रोइड्स और द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस बर्न आउट इन दिस लेयर एंड देयरफॉर डू नॉट रीच. आपको पता है मेट्रोइड्स वगैरह जो हमारे गिरते हैं वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि पता है ना आपको, वो छोटे छोटे होके अपने हमारी तरफ गिरते हैं लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच पाते. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एटमोसफियर. वो वहीं एटमोसफियर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर और जो छोटे छोटे आपके रॉक्स के टुकड़े होते हैं, टूटती रहती है रॉक्स, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते. ये तो हमारे सिर पे ही पड़ते रहते हैं वो, अगर हमारी ये एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होते, वो उसी लेयर के अंदर हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एकदम ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाते हैं, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं. तो दिस इज द लेयर जिसमें हमारा ये काम होता है. मेट्रोइड्स वगैरह, स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट द स्पेस बर्न आउट, वो बर्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देयरफॉर डू नॉट रीच टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फीयर लेयर. दिस इज द फोर्थ लेयर. स्पेस शटल मूव अबाउट इन दिस लेयर. जो स्पेस शटल हम लोग छोड़ते हैं इंडिया से या कहीं भी किसी भी कंट्री से स्पेस शटल्स भेजी जाती हैं, वो कहाँ से? वो इसी लेयर्स से हमारी शटल जो है जाती हैं वहाँ पर. Move about in this layer, and the last one is the this is the fifth layer of the atmosphere. Exosphere का कोई limit ही नहीं है, उसके बाद अंत तक पता नहीं कहाँ तक last layer हमारी है exosphere. So immediately above the earth is the troposphere, after that stratosphere, after that mesosphere, then thermosphere, and last one is the exosphere, जिसका कोई हमें पता पता ही नहीं है कितनी degree तक जा रही है. Okay. So I hope you have understood all these concepts. In the next class, we will read about the composition of air. So I am stopping here only.